हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ बहुत ही प्यारी जगह जिसे शिवपुरी बोलते हैं, जो कि ऋषिकेश से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप बद्रीनाथ रोड पर जाएंगे तो आपको 20 किलोमीटर आगे आना होगा ऋषिकेश से। तो चलिए मैं आपको इधर लेकर चलता हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है पुलिस की तरफ से कि पानी में ना जाएं, पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और आप देख सकते हो यहाँ पर यह बिल्कुल एक बीच के जैसा है और बहुत ही सुंदर और पीसफुल एरिया है। दोस्तों, यहाँ पर कैंपिंग की भी कोई कमी नहीं है, बहुत सारे कैंप हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आप सामने देख सकते हो एक रिवर और आ रही है और गंगा जी में मिल रही है, और यहीं पर आप बेलपुरी का आनंद भी ले सकते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। और आप ये देख सकते हो, यह है बोटिंग पॉइंट, यहाँ से रिवर राफ्टिंग भी होती है ऋषिकेश के लिए, तो आप उसका भी एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे बंजी जंपिंग और भी बहुत कुछ। और ये जो सामने वाला आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में फैमिली बोटिंग कराई जाती है, जिसका पर पर्सन चार्ज ये 200 रुपीज़ करते हैं। तो आइए और एंजॉय कीजिए इस जगह को। और आप देख सकते हैं सामने एंजॉय करते हुए टूरिस्ट को। और यहीं पर आपको गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, कैंपिंग भी मिल जाएगी। आप सामने देख सकते हो यहाँ पर ये गेस्ट हाउस है, तो ये जो स्टार्टिंग प्राइस होगा इसका 1000 रुपीज़ से शुरू हो जाता है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और सामने देख सकते हैं आप गंगा मैया, अब बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत पीसफुल एरिया है। आप आइए और इन्जॉय कीजिए यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे कैंपिंग मिल जाएंगे आपको करने के लिए, टेंट भी मिल जाएंगे। दोस्तों, पहले ज़्यादातर यहाँ पर कैंपिंग रिवर साइड में ही होती थी, यानी गंगा जी के किनारे ही, लेकिन 2013 के बाद आपदा के बाद ये यहाँ से सबको शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ से थोड़ी दूर पर कैंपिंग होती है, लेकिन गेस्ट हाउस आप देख सकते हो यहीं पर ही आप स्टे कर सकते हो गेस्ट हाउस में। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे की लोकेशन देखते हैं कि आगे किस तरह का है। और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही पीसफुल एरिया है ये, और ये ऋषिकेश से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। तो आप कभी ऋषिकेश आए तो यहाँ पर आना मिस ना कीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है। तो आप यहाँ पे आइए, और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज, आप देख सकते हो यह कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। एक साइड में माउंटेन है, ग्रीनरी, साथ में गंगा जी, और यहाँ पे वॉक करने का मज़ा ही कुछ और है। और आप सामने एक वो पत्थर देख रहे हैं, वो इस तरह से लग रहा है जैसे क्रोकोडाइल होगा। और ये आप देख सकते हो बिल्कुल साफ पानी आ रहा है यहाँ पर गंगा जी में। तो गाइज, आपने देख ही लिया ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है, और यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है, आप आ सकते हैं। और आप यहाँ पर गंगा जी के साइड में 1-2 किलोमीटर की वॉक तो ईजिली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।